तो दोस्तों, मैं अनिल सैनी और फिर स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ जिसमें आज आपको मैं कॉलम के फाउंडेशन से लेकर के कॉलम डालने तक की सारी डिटेल बताऊँगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि जो हम फाउंडेशन डालते हैं तो फाउंडेशन की मोटाई लगभग कितनी रखनी चाहिए और हम इसको टेपर क्यों रखते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं हम अपने पहले स्टेप पर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कंक्रीटिंग की गई है, यहाँ पर जो कंक्रीट है, ये लगभग हम अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद ही हम क्या करते हैं, इसको फाउंडेशन को डाला जाता है। तो फाउंडेशन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये जो कॉलम की फाउंडेशन बनाई गई है ये लगभग 1 फिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 1 फिट से आप ज़्यादा रखेंगे तो ये जो है आपकी इकोनॉमिकली नहीं होगा, ये आपकी कॉस्ट को बढ़ा देगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आप कॉलम के फाउंडेशन को देख रहे हैं तो ये लगभग 1 फुट ही है, थोड़ा सा ज़्यादा है 1 इंच, तो इसको यहाँ अंदाजे से डाला गया है तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 फुट से बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे कोई कोई मिस्त्री अनस्किल होते हैं या फिर मतलब उनको नॉलेज नहीं होती है तो वो ज़्यादा मोटाई तक भी कॉलम की फाउंडेशन को बना देते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, ये जो कॉलम की फाउंडेशन होती है इसको टेपर ही क्यों बनाया जाता है, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मेट में क्यों बनाया जाता है। तो दोस्तों, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मेट में इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो कॉलम जो किसी भी बिल्डिंग का लोड है वो किस तरीके से इसको ट्रांसफ़र करता है, तो बिल्डिंग का लोड जो है ये आप कॉलम के बॉटम तक देखेंगे, इस पॉइंट से यहाँ से ट्रांसफ़र होना शुरू होता है। जब लोड यहाँ से ट्रांसफ़र होना शुरू होता है तो लोड जो है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होता है। तो दोस्तों, यहाँ से नीचे की जो कंक्रीट होती है वही कंक्रीट जो है लोड को बियर करती है, और यहाँ से अगर हम इसको आगे तक बढ़ा देते हैं तो वो जो कंक्रीट होती है वो हमारी वेस्टेज होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, जो कॉलम की बॉटम फाउंडेशन बॉटम होता है कॉलम के, वहाँ तक जो है इसको टेपर फॉर्मेट में ले लिया जाता है, और यहाँ तक जो है इसके नीचे ये जो फाउंडेशन बनाई गई ये कॉलम के फाउंडेशन में, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी तरीके से ये ईंट के टुकड़े अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट किए जाते हैं। कॉम्पैक्ट करने के बाद इन पर पानी से छिड़काव किया जाता है। छिड़काव करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका एक सरियों का जाल बनाया जाता है, और उस जाल के ऊपर हम इस कॉलम को जो अभी सरियों का बना हुआ है उसको उसके ऊपर खड़ा कर देते हैं। और खड़ा करने से पहले हम क्या करते हैं, जो जाल बनाते हैं उस जाल को हम साइडों से एल शेप में मोड़ देते हैं। तो जब हम इसको एक साइड से एल शेप बनाएंगे तो दूसरी साइड भी एल शेप हो जाती है, तो हम कह सकते हैं ये जो है हमारा जाल जो बनेगा वो कुछ यू शेप में बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, जैसे ये जो इस तरीके से बनेगा, यहाँ से इस तरीके से आएंगे और इस तरीके से ये यू शेप बन जाएगा। अभी ये कुछ चल नहीं रहा है, यहाँ पर ऐसा लिखने के लिए कुछ है नहीं, तो आप समझ गए होंगे जैसा कि मैंने आपको समझाया। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, कॉलम के फुटिंग को तैयार कर लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कॉलम के फुटिंग तैयार हो जाने के बाद अब क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं कि निशान से हमें कॉलम का जो फेस रखना है वो किस निशान तक रखना है, और इस निशान के बाद हम क्या करते हैं, इसमें फर्मे लगा करके कॉलम को कास्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा कॉलम तैयार हो जाता है। अब दोस्तों, उसके बाद अब हम चलते हैं कि इसमें जो कॉलम में जो सरिया को यूज़ किया गया है वो सरिया कितना मोटा है, किस साइज़ का है, और रिंग कितना, रिंग का जो सरिया डला है वो किस साइज़ का है, और रिंग का जो चौड़ाई है वो कितनी चौड़ाई का है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रिंग को डाला गया है ये है लगभग 8 mm का सरिया यूज़ किया गया, और 8 mm का सरिया रिंग बनाने के लिए यूज़ किया गया। और ये जो आप सरिया देख रहे हैं ये जो है ये 16 mm का सरिया है, 16 mm का सरिया यूज़ किया गया, और यहाँ पर बीच में एक बार जो है लगभग 12 mm का दिया गया है। ये देखिए, इसमें बीच में एक सरिया जो है वो सपोर्ट करने के लिए 12 mm का भी दे दिया गया है, और इसमें यहाँ पर एक सरिये में लैप दिया गया है। ये जो लैप है ये दोस्तों आप हर एक कॉलम को जब बनवाएंगे, पहले सरिये से बनवाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, जो इसका लैप दिया जाता है वो हम डायमेंशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम टेक्निकली हम बुक्स में भी पढ़ते हैं
कि जो इसकी लेंथ होती है, लैप लेंथ होती है, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी लैप लेंथ होती है उसको कैलकुलेट करने के बाद ही हम इसमें लैप जॉइंट देते हैं। अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लैप जॉइंट दिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा दे रखा है, जिससे क्या होता है ये हमारे इकोनॉमिकली नहीं होता है। कोई भी कॉलम है वो कुछ ज़्यादा ही सरिया वेस्टेज हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आप काम करवाते समय इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, जिससे कि आपकी मकान बनवाने की कॉस्ट या कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क कराने की कॉस्ट इंक्रीज ना हो। ये देखिए यहाँ पर कितनी दूर तक ये इन्होंने लैप दिया है, इतनी दूर तक ये लैप नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों, ये काम आपको ही ध्यान रखना होगा कि मकान बनाते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है। और जब हम रिंग को बंधवाते हैं कॉलम बनाते टाइम, तो रिंग को कितनी दूरी पर डाला जाता है, तो यहाँ पर तो रिंग तो काफ़ी ठीक डले हुए हैं, जो 6 से लेकर के 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर डले हुए हैं। और यहाँ पर बाकी कॉलम जो है इसमें एक तरफ से 8 सरियों का कह सकते हैं कि हम इसमें 8 सरियों का यूज़ किया हुआ है। और इसमें जब आप कॉलम बंधवाते हैं तो इसमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होता है कि आप ये देखना ज़रूरी होता है कि जब आप कॉलम बंधवा रहे होते हैं तो हर एक रिंग को आपको वाइंडिंग वायर से अच्छे तरीके से बंधवाना भी होता है। अगर आप इसको बंधवाएंगे नहीं तो जो इनके सरिये हैं वो स्लिप कर जाएंगे और आपका कॉलम जो है क्रैक कर सकता है। तो दोस्तों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होता है कि आप कॉलम बंधवाते समय हर एक रिंग को अच्छे तरीके से वाइंडिंग वायर से बंधवाते हैं। दोस्तों, जब हम कॉलम बंधवाते हैं तो ये जो रिंग होता है ये काफ़ी दूरी तक का लंबा रिंग हो जाता है, तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, एक्स्ट्रा रिंग प्रोवाइड करते हैं। ये आप देख रहे होंगे छोटा रिंग जो है यहाँ पर, ये छोटा रिंग हमने इसके बीच में प्रोवाइड कर दिया था। इससे क्या होता है, कॉलम में जो इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है और इसमें शियरिंग होना बहुत कम होता है, शियरिंग की जो आशंका होती है वो भी कम हो जाती है। इसी तरीके से तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे इसमें एक छोड़ करके एक एक रिंग को छोड़ करके दूसरे रिंग पर हमने बीच में एक छोटा रिंग डाला हुआ है। इसी तरीके से हमने सारे रिंग में तो नहीं डाला है, एक छोड़ करके अल्टरनेटिवली हमने छोटे रिंग को यूज़ किया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे मैं आगे भी आपके लिए आने वाले टाइम में ऐसी ही इंफॉर्मेशनल और भी काफ़ी वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।